नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्सोटिक वेबिनार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है हेमंत मकवाना जी। हेमंत जी, आपका स्वागत करती हूँ, और साथ में जाफर पीरजादा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। इन दोनों की जो पहचान है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। HFF जो सोशल एक्टिविटीज की संस्था है मुंबई, नवी मुंबई में, तो उनके ये प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, और जो मेरे बाजू में खड़े हैं जाफर जी, वो डायरेक्टर है। तो सबसे पहले मकवाना जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये HFF जो आपका है वो क्या है, उसका फुल फॉर्म पहले हमें बताइए। HFF जो है उसका फुल फॉर्म ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन है, और ये एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो 30 प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। HFF का विजन हमेशा से रहा है कि हम लोगों को एम्पावर करें। जो लोग हमारे पास आते हैं मदद मांगने, ये सोच के कि हम NGO है करके, तो हम उनको ही डेजिग्नेशन दे देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं, ह्यूमन राइट सेमिनार उनको फ्री में अटेंड करवाते हैं, और उनको एम्पावर करते हैं। हम काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं इसमें, और 6 साल हम लोग को कम्प्लीट हो चुके हैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। जी, और एक बात पूछना चाहूंगी कि ये जो नवी मुंबई से ही सब आप वर्क कर रहे हो, सो ऐसी कोई एक्टिविटीज है जो आपके लिए स्पेशल रही हो? सबसे स्पेशल एक्टिविटी हमारे लिए प्रोजेक्ट शिक्षा रही है, कि शिक्षा ऐसा है कि आप तो सुनते होंगे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो प्रोजेक्ट शिक्षा को हम ज्यादा प्राधान्य देते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट को भी, कि जो महिला है उनको समान स्थान समाज में मिला जाए। आज भी हम देखेंगे तो काफी रूरल एरियाज है, तो वहाँ पे आज भी वुमेन्स को वो डोमिनेटिंग तरीके से देखा जाता है, तो वो चीज़ें सुधारने की हम कोशिश करते हैं, और मोस्टली अभी हमारा ज़्यादा ध्यान रूरल की तरफ हम लोग केंद्रित कर रहे हैं जी। पर ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नवी मुंबई में सिर्फ हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस, बाकी हम लोग 8 states में एग्जिस्टेंस है हमारा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात कही। आज बहुत लोगों को कुछ अच्छा नया जानने को मिला होगा। अभी मेरे साथ जाफर जी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। सर, पहले तो आपके बारे में हमें कुछ जानना है, तो वो पहले बताइए, और HFF जो संस्था है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम जफर पीरजादा है, और मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन में डायरेक्टर जनरल के पोस्ट में हूँ, और ये 6 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जैसा हेमंत जी, डॉक्टर हेमंत जी ने जो बताया है। हम लोग 35 ड्राइव्स करते हैं, उसमें मेनली जो है लास्ट टू लास्ट ईयर जैसे फार्मर लोगों का प्रॉब्लम हो गया था, सारे माइग्रेट होकर नवी मुंबई मुंबई में आए थे, ऐसे फार्मरों को हमने 25,000 tons ग्रेन अनाज और ये वो सब हमने उनको दिया, ताकि वो 1-1.5 महीना यहाँ पर रह सके और अपना गुजरान कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे जो जो चीज की कमी होती है, अभी जैसे ठंडी के अंदर दिसंबर से लेकर फरवरी तक हम लोग जो ठंडी होती है, तो हम लोग रात में निकलते हैं, और सारे स्ट्रीट में रोड के ऊपर जो भी लोग सोए हुए रहते हैं, जिनके पास ब्लैंकेट या ऐसा कुछ नहीं है, उसको ब्लैंकेट डोनेट करते हैं। हमारे जो भी ड्राइव होते हैं वो एक साथ में शुरू होते हैं, हमारा ऑफिस नवी मुंबई में है लेकिन टीम हमारी ऑल ओवर इंडिया में है, तो एक ड्राइव अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारा टीम वर्क है। अभी जैसे यहाँ से शुरू होता है तो बेंगलोर के अंदर भी हमारी टीम है, वो लोग भी फिर वो ड्राइव शुरू कर देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट शिक्षा हो गया, ब्लैंकेट ड्राइव हो गया, और भी जितने भी ड्राइव्स है, सेव फार्मर है, जितने भी ड्राइव्स है, वो एक साथ में टीम वर्क करके करते हैं। मतलब यहाँ से अगर शुरू होता है तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सारे सोशल वर्क होते रहते हैं। जी, सोशल एक्टिविटीज आपने जो बताई वो तो एक ही थी मेरे ख्याल से, तो पूरे साल में आप कितनी एक्टिविटीज करते हो और क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताइए। जैसे अभी हमने बताया आपको कि एक तो प्रोजेक्ट शिक्षा है, प्रोजेक्ट मेडिकल है, वो एक्सक्लूसिव था जी। सो मुझे जानना है कि कौन सी तरह की आप एक्टिविटीज करते हैं जी। ये मतलब ज्यादातर हम लोग मेन एम्पावरमेंट का ज्यादा हमारा होता है, कि ये जो भी हमारे यहाँ जुड़ते हैं उनको सबसे पहले तो अपने राइट्स क्या है, यानी ह्यूमन राइट्स का जो भी आपके राइट्स है वो राइट्स हम उनको एम्पावरमेंट करते हैं। तो सबसे मेन तो हमारा यही है कि एम्पावरमेंट करना, उनको बताना कि आपके राइट्स क्या है जी, जिनको आप हेल्प करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे मतलब हेल्प करते हैं। दूसरी एक पहचान है जाफर जी की, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी भी है
ये मुंबई की, तो बहुत बहुत आपको अभिनंदन, और बहुत सारी जगह पर हम लोग आपको देखते भी है, तो आज मुझे ऐसा मौका मिला आपके साथ रहने का और आपके साथ मैं इंटरव्यू में खड़ी हूँ, सो थैंक यू सो मच। अभी वुमेन्स डे है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हेमंत जी वुमेन्स डे पे? वुमेन्स डे वैसे 8 मार्च आज वुमेन्स डे है, बट मेरा ये मानना है कि हर डे वुमेन्स डे ही होता है जी। सो ये सेलिब्रेट ठीक है, हमने एक डे दे दिया है, बट अगर मुझसे पूछा जाए तो एवरी डे इज अ वुमेन डे, बिकॉज वुमेन के बिना हम लोग मतलब मेन कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी जो मदर है वो वुमेन है, हमारी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो भी वुमेन होती है, वाइफ होती है, मतलब ऐसे हर एक स्टेज पे हमको एक वुमेन लगती है। सो एवरी जो डे टू डे थिंग्स हमारी होती है वो वुमेन के बिना हो ही नहीं सकती। सो एवरी डे इज अ वुमेन डे अकॉर्डिंग टू मी, एंड हैप्पी वुमेन डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जाफर जी आप भी कुछ संदेश दे दीजिए, आज वुमेन्स डे है, हमारी ब्यूटीफुल वुमेन्स सब ये प्रोग्राम देख रही है, सो थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहूंगा, हैप्पी वुमेन्स डे, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर फैमिली और एंजॉय योर कल्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।